द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्लियर देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है इलिप्स जो चल रहा है ना ये इलिप्स ड्रॉ किया हमने यहाँ पर ठीक है इस टाइप का आपके पास इलिप्स है और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसके साथ में एक्सिस भी देख लेते हैं ना एक्सएक्स और वाई एक्सेस तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए इस टाइप्स है क्लियर ये इस तरफ एक्सएक्स चल रहा है हमारे पास और इधर वाई एक्सिस चल रहा है इसको और आगे अगर बढ़ाना है तो और आगे बढ़ा लेते हैं ठीक है अब देखें यहां पे आपके पास क्या हो रहा है टेंजेंट लाइन ड्रो रही है है ना इस पे क्या हो रहा है टेंजेंट लाइन ड्रो हो रही है और एक्सिस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट आएंगे वो कैपिटल ए और कैपिटल बी है और आपके पास जो टचिंग पॉइंट है ना जहाँ टच हो रहा है पी वो पी का कर रहा है ए बी का मिड पॉइंट है क्लियर तो ये हमने लिया यहाँ पर टेंजेंट लाइन किस पे इलिप्स पे ठीक है ऐसे नहीं लेके हम टेंजेंट लाइन चेंज करते हैं यहाँ पे है ना इधर से ऐसे लेते हैं मिड पॉइंट जिससे हमको शो है क्लियरली ठीक है ये ऐसी कंडीशन हमारे पास चल रही है यहाँ पर ये कैपिटल ए पॉइंट हो गया ये कैपिटल बी पॉइंट हो गया और ये कैपिटल पी पॉइंट हो गया आपके पास ठीक है और यहाँ पे ये यह जो लेंथ है बी पी और पी ए ये लेंथ कैसी इक्वल है ठीक है अब देखें हम बात करें यहाँ आप पर आपके पास इलिप्स पे किसी भी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो हुआ करते हैं वो होता है ए कोस्ट थीटा कोमा बी साइन थीटा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन ये जो इलिप्स हुआ करता है इस पर किसी भी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यही होते हैं ठीक है थीके? और साथ में पैरामेट्रिक इक्वेशन किसका टेंजेंट का तो ये देखा हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी पैरामेट्रिक फॉर्म में ये जो आपके पास यहाँ पर पा कोऑर्डिनेट है ना इस पॉइंट पे अगर आप पैरा इस, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हो तो उसका इक्वेशन होता है हमारे पास एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू वन ये इक्वेशन हुआ करता हमारे पास क्लियर अब देखो ए और बी अगर हमको फाइंड करना है तो सिंपल क्या करें ए जो पॉइंट है वो एक्सिस पे तो वाई को जीरो पुट कर देते तो पुट इक्वल टू जीरो वाई जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू ए बाई कोस्ट आ रही है तो इसका मतलब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए ए बाई कोस्ट सीटा कोमा जीरो और ऐसे बात करें हम हम पुट करते हैं यहां पर x को जीरो तो y की वैल्यू आएगी b अपॉन साइन थीटा तो b पॉइंट जो हमारे पास है वो b पॉइंट कैसा हो जाएगा जीरो कोमा बी साइन थीटा ठीक है तो a पॉइंट आ गया b पॉइंट आ गया इसी का तो मिड पॉइंट है p तो p अगर इसी का मिड पॉइंट है तो p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है ए कोस थीटा कोमा बी साइन ये किससे भी आएंगे ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला से भी आएंगे तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ आप एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू तो ए कोस थीटा प्लस जीरो बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू तो अगर ऐसा आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ए कोस थीटा ये इक्वल चल रहा है हमारे पास किसके ए बाई टू देख लो यहाँ पर ए बाई टू कोस थीटा क्या ठीक है और ऐसे हम बात करें यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा निकालें

क्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स बाई ए कोस छीटा था तो कोस की वैल्यून बाई रूट टू वाई बाई बी साइन छीटा तो वन बाई रूट टू इक्वल टू वन देख लो यही इक्वेशन है आपके पास पर? Clear? So, यहां पर क्लियर तो यहां से आंसर आ रहा है आपके पास एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू रूट टू ये रिक्वायर्ड इक्वेशन क्लियर

स मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट एप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर